आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। मैं अथैया हूँ। मैं अब यहाँ पे आपको काफ से होने वाले नेवल हिल के बारे में बताऊंगा। बहुत अच्छे काफ जो हैं, वो क्रॉस ब्रेड काफ जो है नेवल हिल की बीमारी से मतलब मर जाते हैं। इसमें मतलब ऐसा होता है कि जब आप बच्चा पैदा होगा, अगर आप उसका नाल ठीक तरह से नहीं काटेंगे तो इसमें नेवल हिल हो जाता है। नेवल हिल में जैसे मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, नेवल हिल में ये देखिए उसके जॉइंट सूज जाते हैं, और अगर आप इसे नहीं करेंगे तो इसमें पस पड़ जाएगा और फिर इसका इलाज बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इस तरह मतलब अपंग हो जाते हैं। तो इससे जरा बच के रहिए। मैंने काफ रेयरिंग के बारे में पहले बता चुका हूँ मैं काफ़ी, कि काफ रेयरिंग में क्या क्या करना चाहिए। उसी कड़ी में मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये नेवल हिल की बीमारी मतलब ज़्यादा तो नहीं होती है, पर नाल ठीक से नहीं काटेंगे बिलायतियों में ये हो जाती है। और इसमें जो है आप एंटीबायोटिक देंगे शुरू में ही तो ये ठीक भी आती है। देखिए एंटीबायोटिक इसमें ये है, एक तो ये टेरामाइसिन की गोली, टेरामाइसिन की गोली है। अगर टेरामाइसिन की गोली आप इसमें दे देंगे, या कैप्सूल भी मिलते हैं ह्यूमन वाले, कई दिन देना पड़ेगा तो। और दूसरा जो है ये सिप्रोफ्लॉक्सिन है और टेनिरोल है, तो इससे भी ये ठीक हो जाता है। वैसे मैं तो कॉम्बेक्टान एमएसडी का आता है उसको यूज़ करता हूँ, तो इसको जल्दी से जल्दी आप जो है टैबलेट्स दीजिए, अन्यथा आप इस बछिया से या बछड़े से जो भी है उससे आप हाथ धो लेंगे। आपने सुना, धन्यवाद। ये इसी उसी कड़ी में काफ रेयरिंग के कड़ी में बताया। मैं प्रोफेसर थैया हूँ। मैं बीबीएससी एमबीएससी पीएचडी हूँ तथा मैं 2004 में रिटायर हो गया था। मैं ऑनलाइन डेयरी के कोर्सेज चलाता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी, और इसमें डेयरी एडवाइज़र हूँ मैं। और मेरा 1 हफ्ते का कोर्स है ऑनलाइन, और उसकी फीस जो है 1,000 रुपये। आप मुझसे संपर्क करके कभी भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। धन्यवाद, आपने सुना।